नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आपको बता दें, एक जो समस्या आती है नॉर्मल बच्चों के साथ, सभी बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे खूब मन लगा के पढ़ते हैं, खूब अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन जब पेपर देने जाते हैं तो उनके साथ एक समस्या होती है कि सर हम लोग घर पर तो क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर में जब वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है तो हमको या तो समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, या फिर हम क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं। तो इसका क्या उपाय होगा, और समय जब ज़्यादा लगता है तो इसका क्या नुकसान होता है कि ऊपर मान लीजिए हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर का है, ऊपर के क्वेश्चनों में आपने समय वेस्ट कर दिया और जब नीचे वाले सेक्शन में पहुंचे जहां की चीजें बहुत ही आसान थी, जिसको आप लोग कर सकते थे, जो आपको आ रहा था, वो क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर टाइम ही नहीं बचता है। तो इस टाइम मैनेजमेंट से कैसे बचे, ये टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे सीखे और कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और अपना एक बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे एग्जाम में कर पाए, इस बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। इसका जो सबसे बढ़िया मेथड होता है टाइम मैनेजमेंट को चाहे सीखना हो चाहे अपने प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतर बनाना हो, तो सबसे बढ़िया होता है कि मॉक टेस्ट दिया जाए। हर बच्चा मॉक टेस्ट देता है, आपने देखा होगा जो टॉपर बच्चे होते हैं, चाहे मैं खुद सीजीएल में सिलेक्टेड हूं, तो मैंने सिलेक्शन कैसे लिया। देखिए, तैयारी अपनी जगह पे होती है, लेकिन उस तैयारी को आप किस हिसाब से प्रदर्शन कर पा रहे हैं पेपर में। आपने जो भी पढ़ा ठीक है, एग्जामिनर के सामने पेपर हॉल में आप क्या परफॉर्मेंस करते हैं उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। और पेपर हॉल में कैसे प्रदर्शन होता है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा के गए हैं तो मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, एक तरह का एग्ज़ाम ही आपका हो रहा है। आप ऐसा मानिए कि आपका एग्ज़ाम हो रहा है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और कैसे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस बात को देखा जाता है, ठीक। तो मैंने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे पेपर से पहले, मतलब 100-150 मॉक टेस्ट मैंने लगा दिए थे, ठीक। तो मॉक टेस्ट का बहुत फायदा होता है पेपर में, आपको पता होता है किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देना है, पहले सारा पेपर कर लेते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन पता चले 5-5 मिनट आपका वेस्ट कर देता है। इन सारी चीज़ों से बचना होता है। तो आपको बता दूं, एसएससी मेकर के ऐप पे आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया है। ये मॉक टेस्ट आपका हर संडे को होगा। अभी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ये मॉक टेस्ट स्टार्ट किया गया है, ये सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगा, जो भी बच्चा चाहे वो इसको दे सकता है, ठीक। अच्छा, आगे चल के आपकी जीडी के मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किए जाएंगे, अदर एग्जाम्स के भी मॉक टेस्ट आपके यहाँ स्टार्ट किए जाएंगे, जो आपके लिए फ्री होंगे। संडे को आप आइए और आप जो भी पढ़े हैं एक हफ्ते में, चाहे पीछे जितने दिन में पढ़े हैं, एक बार मॉक टेस्ट लगा के देखिए कि कितने चीज़ों को आप कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आगे आपको और कितना मेहनत करना है। तो जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट हमारा 1 हुआ था, इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या क्या कमी बच्चे कर रहे हैं, क्या क्या गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे प्रॉपर एक एनालिसिस करने वाला हूँ। तो जैसे इस मॉक टेस्ट के बारे में हम लोग देखें, तो मॉक टेस्ट में ये मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा, तो मैं आपको बोल दूँ, मॉक टेस्ट का लेवल आपका मॉडरेट रहा है। मॉडरेट का मतलब क्या है कि ना ही ये मॉक टेस्ट टफ था, टफ का मतलब ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन आपसे हिले ही नहीं, और इतना आसान भी नहीं था कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। तो मॉक टेस्ट जैसे नंबर क्या होते हैं ना, इस लेवल पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे पेपर का लेवल का टफ आ गया तो ऑटोमेटिक बच्चों के नंबर गिरने लगते हैं, ठीक है, और अगर आसान है तो बच्चों के नंबर वहां पर बढ़ने लगते हैं। तो ये लेवल का भी थोड़ा सा फर्क आपके मार्क्स पे पड़ेगा। तो मॉडरेट था तो बीच में आपके नंबर कहीं आ रहे होंगे, बहुत हाई नंबर भी नहीं आ रहे होंगे और बहुत लो नंबर भी नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, अब इस मॉक टेस्ट में क्या हुआ है, तो मॉक टेस्ट में आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो ऑलरेडी कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, पीछे से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर उसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास जानकारी भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा कभी ना कभी टेस्ट लगाए होते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एक टॉपर ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तो आपको पता है जनरल अवेयरनेस का आपका पोर्शन है 38 क्वेश्चन आए हैं, तो एक टॉपर जो बच्चा है, टॉपर का मतलब जैसे एक से लेके और 50 रैंक तक आप कह लीजिए, तो यहां तक के जो बच्चे हैं ये 20 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, किस चीज के, जनरल अवेयरनेस के। और जनरल अवेयरनेस के 20 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक। अच्छा, इसके साथ जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आ रहा है, तो मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको पता है रीजनिंग मैथ बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं,
ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ में, जैसे रीजनिंग में 28 से 30 क्वेश्चन ये लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी जैसे बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, चाहे वो जीडी का हिंदी हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे आगे चल के एसआई का आपका हिंदी होगा, तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है। तो बच्चे इसमें 25 से 28 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। अच्छा, और जो आपका मेंटल न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आ रही है, तो आपका जो कांस्टेबल का सिलेबस होता है इसमें क्या होता है, मैथ के साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स होते हैं, तो बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस तो करते हैं रीजनिंग पढ़ने में, मैथ पढ़ने में, तो मैथ के क्वेश्चन 20-22 ही कैसे अटेम्प्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्या होता है, जैसे ये भले टॉपर बच्चे हैं लेकिन हो सकता है इन्होंने अभी मॉक टेस्ट देना शुरू किया होगा, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आप बच्चे पहली बार मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, आप बस पढ़ने का आदत आपको होता है लेकिन अपने आप को टेस्ट करने का आदत नहीं होता है। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको समय कम लगता है, इसमें समय बहुत कम लगता है, क्वेश्चन आ रहा है तो आप टिक करेंगे, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, इसके बाद जब बच्चे मॉक टेस्ट जब रीजनिंग के पोर्शन पे आते हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन पे क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको फंसा देते हैं, ठीक, और बच्चे क्या होते हैं, नहीं इसको तो हम करके ही जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, भले 5 मिनट दे देते हैं उनको पेपर हॉल में, चाहे जब टेस्ट दे रहे होते हैं तब पता नहीं चलता है, लेकिन वो 5-6 मिनट वेस्ट कर देते हैं। और यहां पे आप 28 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपका क्या होता है, आप बहुत ज्यादा समय अपना बस इन दो सेक्शन पे ही निकाल देते हैं। अब इससे क्या होने लगता है, इससे आगे चल के टाइम कम होने लगता है। अब हिंदी तो आसान होता है, हिंदी का क्वेश्चन बच्चा कर लेता है, लेकिन मैथ में जब कैलकुलेशन आता है तो यहां पे फंसने लगता है। तो यह समस्या सिर्फ जो एवरेज बच्चे हैं उनके साथ ही नहीं है, ये टॉपर के साथ भी है, ये लोग भी फंस जाते हैं, ये लोग भी यहां तक आते आते इनके टाइम खत्म होने लगते हैं, लास्ट में इनके लिए टाइम नहीं बचता है, तो यहां पर ये 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। वैसे अगर ये अटेम्प्ट करने जाए तो 35 में से 30-32 क्वेश्चन आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब पेपर खत्म होता है ना तो एक बार आप अटेम्प्ट करके देखेंगे तो आप देखेंगे 30 से 32 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, लेकिन समय की वजह से आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका यही होता है कि अपने समय को कम किया जाए, किसी भी क्वेश्चन में जो समय लग रहा है उसको कम किया जाए। कोई क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा है उस पर जबरदस्ती ना लगा जाए, जबरदस्ती ये नहीं कि इसको करके ही आगे बढ़ेंगे, हम तो पढ़े हुए हैं हमसे ऐसे कैसे नहीं होगा, नहीं, ये सारी चीजें आपके मन में रहेंगी तो लास्ट का पेपर आपका छूटने लगता है, जो क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं वहां पे जाके आपके क्वेश्चन छूटने लगते हैं। ठीक, तो चाहे टॉपर बच्चा हो चाहे एवरेज बच्चा हो उसको यहां पे बचना होगा। अच्छा, एक चीज बता दूं, इसमें टॉपर तो 20-22 क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन जब हम लोग एवरेज बच्चे पे आते हैं ना, जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट देना शुरू किया है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है, वो नीचे आके और फंस जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। मैथ का क्वेश्चन उनको हो सकता है बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन 10-12 ही लगा पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, नहीं, इसलिए क्योंकि इस पोर्शन में आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। ठीक, अब ये एवरेज बच्चों का लिस्ट है। अब एवरेज बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी ये जनरल अवेयरनेस में 10 से 12 क्वेश्चन ही लगा पा रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी ये लोग सीख रहे हैं, आप सारे बच्चे अभी सीख रहे हैं, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। इसमें कोई मतलब शर्माने वाली बात नहीं है, चाहे अपने आप को ऐसा फील नहीं कराना है कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो 10 क्वेश्चन जीएस में कर रहा हूं, ये रीजनिंग कितना आसान होता है, इसमें भी 20-22 ही हो रहे हैं, हिंदी में 24-25 ही हो रहे हैं, और मैथ में तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, 10-12 ही हो रहे हैं, तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अभी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग भी अभी आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी सिपाही बैच चल रही है, उसमें बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको समय लगेगा। आपको क्या करना होगा, पहले तो अपने कोर्स को खत्म करना होगा, ठीक, उसके सारे सवाल को लगाते हुए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे अपने आप आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। ठीक, आप तैयारी करिए, इसके बाद क्या है कि एक हफ्ते के बाद आके आपको मॉक टेस्ट को देना है। ठीक, हर एक हफ्ता तैयारी करना है, मॉक टेस्ट को देना है। अब मान लीजिए जैसे आपको पता चला कि अरे यार रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन पे हम 4 मिनट लगा लिए हैं। ठीक, अब इस 4 मिनट का आपको नुकसान कहाँ होगा, इस वाले पोर्शन में। किसी क्वेश्चन पे आप 3 मिनट लगा दिए हैं तो इसका नुकसान कहाँ होगा, इसका नुकसान होगा इस वाले पोर्शन पे। तो जो भी बच्चे इस हफ्ते टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक,
तो अगले हफ्ते आपको बस इतना करना होगा कि आप जो समय वेस्ट किए हैं इन सवालों पे, इन समय को वेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो एवरेज बच्चा होगा, चाहे वो टॉपर बच्चा होगा, अगर वो अपने समय को वेस्ट नहीं करेगा ना, तो उसके ऑटोमेटिक नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है इसमें आप 20 क्वेश्चन लगा देते, इसमें आप 20 क्वेश्चन लगा देते, आप 25 क्वेश्चन भी लगा सकते थे, ये पॉसिबल है, लेकिन जब समय ही नहीं मिलेगा तो कैसे लगाएंगे। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, अभी आप शुरुआती दौर में हैं, शुरुआती दौर में बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक चीज सीखना होगा कि हमें किस क्वेश्चन को छोड़ना है। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आपको अभी क्या करना है, अभी उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पर चला जाना है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 15-20 सेकंड लगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है, हो सकता है अभी मैं कैलकुलेशन ना कर पाऊं, तो 4-5 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ठीक है, जब लास्ट तक आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद समय बचता है तो पीछे की ओर बढ़िए। ठीक, लेकिन अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी हो सकता है उनसे कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो अगर उनसे किसी ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन आता है जो चैप्टर वो पढ़े ही ना हो, तो आप बेझिझक उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, इसमें आपको पता है आपको नंबर बढ़ाने में कम से कम 1-2 महीने का समय लगेगा। ठीक है, 1-2 महीना उनके लिए मैं कह रहा हूं जो अभी सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ठीक, आप क्या होगा, धीरे धीरे सिलेबस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन लगाएंगे और धीरे 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 आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी सही समय है, आपका अभी फॉर्म तो आया नहीं है, फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के 1-2 महीने के बाद आपका पेपर होगा, उस समय तक हम लोग आपको इतना गारंटी ले रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन 30+ पे चले जाएंगे। ठीक है, सारा अटेम्प्ट आपका 30+ पे चला जाएगा, आप बस 2 महीना आप समय दीजिए और मन लगा के जितना आपको कोर्स में बताया जा रहा है उतना पढ़िए, और हफ्ते में एक दिन एक संडे को आके बस मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक, मात्र 1-2 महीने का समय लगेगा और आपका हर एक सेक्शन में आप 30+ करने लगेंगे। ठीक है, हर एक सेक्शन में आपके 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे एक बार आप लोग सीख जाएंगे तो। ठीक है, तो अगले हफ्ते भी आपका मॉक टेस्ट होगा, अगले संडे को मॉक टेस्ट होगा, और संडे को आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिएगा और अटेम्प्ट करके देखिएगा क्या इंप्रूवमेंट हुआ। ठीक है, क्या गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को कैसे इंप्रूव करना है, हम फिर से एनालिसिस का वीडियो लाएंगे, उसमें आपको सारी चीजें बताएंगे। अच्छा, अब इस मॉक टेस्ट में क्या हुआ है, इस मॉक टेस्ट में मैं बताऊं तो जो टॉप के 10 बच्चे रहे हैं, मॉडरेट था तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोर पॉसिबल नहीं था। ठीक, इसमें जो टॉप 10 बच्चे रहे हैं, ये आपके ये बच्चे हैं टॉप 10 के। ठीक, जो पहले नंबर पे बच्चा रहा है इसका नाम है विकी शर्मा, इसके 224 नंबर यहां पे आए हैं इस मॉक टेस्ट में। ठीक, और जो 10वें नंबर पे रहा है रोहित फौजी, इसके 178.5 नंबर आए हैं। ठीक, यानी 178.5 से लेके ये आपका 224 नंबर के बीच में ये बच्चे रहे हैं। ठीक है, टॉप 10 के बच्चे ये हैं। ठीक, अच्छा, एवरेज बच्चे जो होंगे, कई बच्चों के यहाँ पे ऐसे भी हुए हैं, जैसे हम लोग पूरा डाटा देखे हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 80 नंबर ही स्कोर कर पाए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 नंबर ही स्कोर कर पाए हैं। तो इन सभी बच्चों को, इनके साथ साथ मैं उन टॉपर्स को भी बताऊंगा कि आप लोग अभी क्या करिए, आप लोग देखिए कहाँ गलती हो रही है। ठीक, जिन बच्चों ने शुरुआत किया है वो देखें कि क्या आप जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परसेंटेज पढ़ चुका है, ठीक, और इसमें आया परसेंटेज का सवाल, ठीक है, परसेंटेज का सवाल आया, तो क्या आपका वो क्वेश्चन सही है। अगर आपका क्वेश्चन सही है, यानी कि आप सही सीख रहे हैं, ठीक है, आप ठीक से सीख रहे हैं, आप आगे चल के और थोड़ा सा मेहनत करेंगे, धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन को लगाने लगेंगे। ठीक, और जो बच्चे टॉपर हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, उनको बस ये ध्यान देना है कि क्या आप कहीं अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है कि आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक है, आप कोशिश करिए किसी टाइम को मैनेज करना है, टाइम वेस्ट ना कर रहे हो, ऐसा ना हो किसी क्वेश्चन पे अड़े हुए हैं कि नहीं इसको तो करके ही जाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इस चीज से बचिए। ठीक, एवरेज बच्चे पढ़ाई करते रहिए, अभी आप चैप्टर को खत्म करिए, चैप्टर खत्म करने के बाद क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। टॉपर बच्चे, जिस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है उस चैप्टर को फिर से रिवीजन करिए, जहां भी आपका दिक्कत हुआ है पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, उसके बाद अगले टेस्ट में आइए, क्या अभी फिर से इस चैप्टर में इतना दम है कि आपसे ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर से जो आपको आपसे ना हो, इस बात को एश्योर करिएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट में
में क्या आपका रिस्पांस रहा है इसके बारे में मैंने बता दिया है। आगे आपका मॉक टेस्ट होगा, उसमें भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि आप ऊपर के सेक्शन में ही समय वेस्ट कर दे रहे हैं, नीचे के सेक्शन में आप जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग सुधारिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कभी भी आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो शुरू में आपको कभी भी जनरल अवेयरनेस जीएस के पोर्शन को ही आपको अटेम्प्ट करना होता है, समय कम लगता है। ठीक, अगर आप मान लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जीडी के बच्चे हैं तो इसके बाद आप हिंदी के पोर्शन को अटेम्प्ट करिए। ठीक, और इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना होता है, उसके बाद आपको मैथ अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, यहां पे समय कम लगता है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इधर समय ज्यादा लगता है तो आप इधर से समय बचा के लाएंगे तो यहां पे उस समय को लगा पाएंगे। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा और एक और मॉक टेस्ट लगाइए। अगले संडे को सुबह में ही आपका मॉक टेस्ट खोल दिया जाएगा, दिन भर में आप जब चाहें तब उसको लगा सकते हैं। ठीक, आगे चल के आपकी जीडी का भी मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, तो जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो उसका भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं। और भी आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जब अगला एनालिसिस कर रहा हूँगा तो उस समस्या का भी समाधान मैं आपको बता पाऊंगा। हर एक समस्या का समाधान है, ठीक है, कैसे मैं सिलेक्शन लिया, कहाँ कहाँ मैं फंस जाता था, ये आप वहीं पर फंस रहे हैं। ठीक है, तो आप पूछेंगे तो आपको मैं बहुत ही अच्छे से बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले एनालिसिस में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।